Good morning students. Once again you are most welcome in our English class. In the last video we started the chapter Autobiography of Great Indian Bustard, and in that we learned how it looks and what is the habits, how it lays the eggs and how they are surviving their lives. These all things we saw in the last video, and also we did the workshop based on that passage. Today we are going to start the second part of the chapter. In that we are going to learn what is the current situation of Great Indian Bustard and how it needs a help to protect him, and he is saying to the people to save them. So let's see. You may have heard about a great human friend of ours, Dr. Salim Ali. बस्टर्ड कहता है कि आपको अगर पता होगा तो डॉक्टर सलीम अली हमारे बहुत अच्छे ह्यूमन फ्रेंड हैं। डॉक्टर सलीम अली वे व्यक्ति हैं जिन्होंने पक्षियों के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए और उनकी जानकारी एक अलग ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लोगों के सामने रखी। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी हैव शुड बी गिवेन द स्टेटस ऑफ द नेशनल बर्ड। यहाँ तक कि डॉक्टर सलीम अली ने सजेस्ट किया कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसे नेशनल बर्ड ऐसे बोलना चाहिए, नेशनल बर्ड का स्टेटस मिलना चाहिए। ऑफ आवर कंट्री बट द ऑनर वेंट टू आवर ब्यूटीफुल रिलेटिव द पीकॉक। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये ऑनर, नेशनल बर्ड का ऑनर, हमारे पक्षियों के ही रिलेटिव जो है पीकॉक, उसे मिला। I am happy to tell you that I am the state bird of Rajasthan. मुझे बहुत खुशी होगी आपको बता के कि मैं राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ। हर एक स्टेट का अलग अलग एक स्टेट बर्ड होता है, वैसे ही मालढोक जो इंडियन बस्टर्ड है कहाँ का स्टेट बर्ड है, राजस्थान का। We have got 10 centuries for our protection, but sadly our number is still going down. लगभग कुल 10 centuries है। Centuries means ऐसी प्लेस जहाँ पक्षियों की देखरेख की जाती है, जो स्पीसीस हैं हमारे कंट्री में या फिर वर्ल्ड में जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनको वहाँ पे संभाला जाता है, रखा जाता है और उन्हें, उनकी देखभाल की जाती है ताकि इन फ्यूचर तक उनके स्पीसीस को बचाया जा सके। तो कुल ऐसी 10 centuries है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हम पक्षियों का नंबर जो है वो गिरता ही जा रहा है, मतलब हम पक्षियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। पहले हम सभी भारत के सभी देशों, मतलब सभी जगह पे पाए जाते थे, हर एक क्षेत्र में भारत के पाए जाते थे। बट स्लोली द ग्रोविंग पॉपुलेशन ऑफ मैन pushed us away from more than 90% of our home regions. लेकिन जो population growth हो रही है human beings की, उन्होंने more than 90% हम लोगों को, हम पक्षियों के अपने जो जगह जहाँ रहते थे वहाँ से भगा दिया है और वहाँ से कब्जा कर लिया है, रहने लगे हैं, मतलब वहाँ पर खेती करने लगे हैं, अपने घर बना लिए हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पक्षी नहीं रह पाए हैं, तो 90% जगह से उन्हें भगा दिया गया है। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। मुझे या फिर हमें उन शिकारियों से, हंटर से बहुत ही डर लगता है जो हमें सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, अपने खुशी मात्र के लिए मार देते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल्ड फ्लाइंग। और हमारी मृत्यु इलेक्ट्रिकल पावर लाइन की वजह से भी होती है जो कि हम उड़ते समय देख नहीं पाते हैं। यहाँ वहाँ आसमान में बहुत सारे बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे खंभे लगे हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक वायर्स गई हुई हैं जो पक्षियों को नज़र नहीं आती हैं उड़ते समय, उसमें टच होने की वजह से उनको करंट लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है जिससे बस्टर्ड मर जाते हैं। We are losing our homes. हम अपने घर खोते जा रहे हैं। Today only the last 200 of us are left in the world. और आज लगभग सिर्फ 200 ही हम लास्ट, आखिरी 200 पक्षी ही यहाँ पर बचे हुए हैं इस दुनिया में। We need your support
एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव. कैन यू हेल्प अस? हमें आपकी मदद चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को यहाँ पे बचाए रखने के लिए. आपका प्यार चाहिए कि हम ऐसे विकट परिस्थिति में भी सर्वाइव कर सके और अपने आप के अपने आप को बनाए रखे. नहीं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें जैसे कि अभी हम आजकल डायनासोर्स के बारे में सुनते हैं तो सिर्फ वो कहानियों में ही रह गए हैं, हम बातों के जरिए सुनते हैं. आज की जो जनरेशन है वो देख ही नहीं सकती है क्योंकि कोई भी ऐसा डायनासोर प्राणी बचा ही नहीं है. तो कहीं ऐसा ना हो एक दिन कि फ्यूचर जनरेशन हो उसे इंडियन बस्टर देखने को ही ना मिले. तो क्या आप हमारी हेल्प करोगे, हमसे प्यार पूर्वक बर्ताव करके हमें सर्वाइव करने के लिए मदद करोगे ताकि हमारी प्रजाति भी बची रहे, ऐसे मालडोक पक्षी जो इंडियन बस्टर्ड है कहता है. नाउ हाउ यू कैन गोइंग टू हेल्प देम, दे आर सेइंग यू कैन राइट अ लेटर टू योर एल्डर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस. आप अपने से बड़ों को एक लेटर लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये कंडीशन कैसी है, क्या सिचुएशन चालू है, जिससे हमारी हेल्प हो जाएगी. यू कैन मेक मैनी ड्राॅइंग्स एंड सबमिट इट टू योर टीचर. आप मेरे ड्राॅइंग बनाइए, अपने टीचर को सबमिट कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए हमारे कम होते नंबर्स के बारे में. यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड सर्कल में सबसे बात कर सकते हैं कि कैसे हमें बचाया जाए. कम टू सी अस एट सेंचुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन द अदर प्लेसेस. आप लोगों को हमें देखने के लिए सेंचुरीज में आना चाहिए क्योंकि आप सेंचुरी के अलावा कहीं और जंगल में या फिर कोई और प्लेस में हमें देख नहीं सकते हैं क्योंकि हम वहाँ बचे ही नहीं हैं. एंड हु नोज इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ. और कौन जानता है, अगर आप ह्यूमन बींग्स ने हमारी हेल्प नहीं की तो हम इस धरती पे बचेंगे ये कौन जानता है, एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे. यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स. और फिर आप सिर्फ पिक्चर्स में, ड्राॅइंग्स में, मूवीज़ में या फिर कहानियों किस्सों में ही हमें सुन पाओगे. डॉक्टर प्रमोद पाटिल, इन्होंने इस तरीके से इस चैप्टर में जो इंडियन बस्टर्ड है उसके बारे में हमें बताया है. कि पहले पार्ट में हमने सीखा था कि कैसे दिखता है इंडियन बस्टर्ड, उसे मराठी में मालढोक कहते हैं और वो राजस्थान का स्टेट बर्ड है. कैसे अंडे लेक करता है और कैसे अंडों की परवरिश करता है, कैसे अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाता है. और आज हमने पढ़ा कि कैसे किस सिचुएशन में जो इंडियन बस्टर्ड है आज पहुंच चुका है, जिसकी संख्या सिर्फ 200 ही रह गई है और सिर्फ सेंचुरीज में ही हम उसे देख सकते हैं. और ये सब क्यों हुआ, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के वजह से, जो लोगों ने अपने घर खेती के वजह से उनके रीजन्स को, ज़मीन को, उनके रहने वाले इलाके को कब्जा करते गए और उनको वहाँ से भगाते गए, मारते गए. बहुत सारे शिकारी ऐसे होते सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, मज़े के लिए उन पक्षियों को मार देते हैं, जिससे ये जो इंडियन बस्टर्ड है वो उसे बहुत दुख होता है. वो हमसे अपील करता है कि हमें उससे प्यार पूर्वक बर्ताव करना है, उसका ख्याल रखना है, उसकी मदद करना है, लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में, अपने पेरेंट्स से, टीचर से डिस्कस करना है, कुछ ना कुछ तरीका निकालना है कि कैसे बस्टर्ड पक्षी को बचाया जाए. सो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी. सो लाइक इन द फर्स्ट वीडियो वी डिड द वर्कशॉप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज. नाउ ऑल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेम क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर. द आंसर शुड बी ऑलवेज फ्रॉम द पैसेज ओनली. सो लेट्स सी एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. सी हियर वी हैव द क्वेश्चन. राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन A1 वी हैव. राइट वन वर्ड आंसर. द फर्स्ट वी हैव इन दैट human friend of Indian bustard. Who is the human friend of the Indian bustard? That we have to find out from the passage. State bird of Rajasthan. Who is the state bird of Rajasthan? These two we are going to find it out from the passage. Let's see. See, you may have heard about a great human friend of ours. That is, here we have Dr. Saleem Ali. So what could be the answer? Dr. Saleem Ali. And we have the second question. What is the state bird of Rajasthan? So you can see over here,
आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. वॉट यू मीन बाई दिस आई एम? इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन बस्टर्ड. सो इट इज द एंसर इंडियन बस्टर्ड. सो एंसर कुड बी डॉक्टर सलीम अली. डॉक्टर सलीम अली एंड स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान दैट इज इंडियन बस्टर्ड. क्वेश्चन नंबर टू इज आंसर इन वन सेंटेंस. हाउ मेनी बस्टर्ड आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड? सो वी लर्न दैट हाउ मेनी बस्टर्ड आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड दैट इज 200. लेट्स सी वेयर दिस लाइन्स आर इन अ पैसेज. सी टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड. सो हाउ मेनी आर लेफ्ट? लास्ट 200. सो वी शुड राइट इट हाउ मेनी बस्टर्ड आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड. लास्ट 200 बस्टर्ड्स आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड. द नेक्स्ट वन इज दैट हु इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. सो वी लर्न इन द पैसेज हु गॉट दिस ऑनर. द रिलेटिव ऑफ द बस्टर्ड दैट इज पिकॉक. पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. सो यू कैन सी फ्रॉम द पैसेज ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर B1 आइडेंटिफाई नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग. हियर वी हैव द फ्यू वर्ड्स एंड आउट ऑफ दिस वी आर गोइंग टू क्लासीफाई दैट इन टू द 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन वर्ब, द सेकेंड वन नाउन एंड एडजेक्टिव. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब दैट मीन्स अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. नाउन means naming word, the name of the person, place, things or the feeling. Adjective, the word which is going to tell about the noun or pronoun. So that is called adjectives. So let's see, the first we have human. What is it? It is a noun, name of the person. So we can say noun. So human comes within noun. The second one is egg. Egg also the name, so it is also noun. The next one is happy. It is a feeling, yes. So it expresses that all, so it could become adjective. The next one is arrive, saying the action word, so it's the verb. Then afraid, also adjective. And the last we have kill is verb. So this way we can classify the given words within noun, verb and adjective. B2 is that write the opposite of the following. The first one pulled, second ugly, then enemy, then dishonor. So all the opposite word of these that we have to write from the passage only. So let's see, here we have the friend, that is opposite of enemy. Honor, opposite of dishonor. Beautiful, opposite of ugly. And pushed, opposite of pulled. So these only we can write from the passage. So let it, the first one is pulled, so it's pushed. Ugly, beautiful, then enemy, friend, dishonor, honor. This way we can write the opposite of the given word finding from the passage. C1 is given, identify the types of sentences are the following. First one, which is the heaviest flying bird in India? And at the last we have the sign of question mark. So
whenever we have the question mark at end of the sentence and the question is asked in the statement, that is interrogative sentence. So we should write over here. Interrogative sentence. The next one, reaching up to our shoulders or even higher. Here we are expressing over the that things, how we are not believing on that things, and we have at the last at the exclamation mark. So whenever we have these marks at the end of the statement and the emotions of the heart should be expressing like this way, so it could be the exclamatory sentence. It could be exclamatory sentence. The next one, C2, is that which are the words you see in your surroundings? That answer you could be writing by yourself. Which type of the birds you are seeing in your surroundings? The all name of the all the birds you should be right over here. It could be homework for you, and you should write that all in your CW. So we saw how we are going to help the Indian bustard. He told us how we are going to help them. If you are not helping them today, so in future, our future generation will not be able to see them. Only they will be going to learn about them within stories, or they can see within pictures. So we learned that, and also we did the workshop question based on the passage, and we learned how we are going to find the answers of this question from the passage. So you have to do all the questions what we did in your CW book, and you should be write all the information regarding the Bustard and like an essay. So it is a homework for you. You should write a great Indian Bustard and small essay on that. It is the homework for you. The next chapter we will continue in the next video. Thank you.